आप बताइए मुझे कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट जो अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखने वाला ही, उसको अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया और वो थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम लिख रहा, उसको ज़रूरी है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर पास आउट रिजल्ट साथ में लगाना, लगाने के बाद उसको स्कॉलरशिप मिलता। अब ये लोग रिजल्ट ही नहीं देंगे तो स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेंगी बच्चों को? जो भी डिग्री खत्म करके गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से जाता है उनको एक साल तक रिजल्ट इशू नहीं करा जा रहा है, एक साल बच्चे अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की वजह से। अगर आप कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, वी विल शो अवर स्टूडेंट पावर एंड वी विल कम ऑन द रोड एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। This video presented by Alshare College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alshare Group of Institute. Jai Hind साथियों, मैं शिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आज मैं यहाँ पर जनता परिवार स्टूडेंट विंग जो सिटी प्रेसिडेंट अखिल है, नीलोफर है और उनके साथ यहाँ तमाम मेंबर्स के साथ हम लोग यहाँ पर आज पत्रिका भवन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। देखिए एजेंडा बहुत क्लियर है यहाँ पे, जो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से जितने भी आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो इश्यूज़ को हम एड्रेस करने आए हैं। ये ताज्जुब की बात है कि गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के ऊपर इतने सारे इश्यूज़ चल रहे, इतने सारे मसले चल रहे, मगर कोई इसके ऊपर आगे बढ़कर इसके ऊपर आवाज़ उठाना नहीं चाह रहा। मिसाल रिजल्ट को लेकर देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स दे आर वेटिंग फॉर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं। आप बताइए मुझे कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट जो अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखने वाला ही, उसको अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया और वो थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम लिख रहा। ये कितनी बड़ी लापरवाही है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के तरफ से, ये स्टूडेंट के करियर के साथ खेलने वाली चीज़ है ये। आप बताइए स्कॉलरशिप, जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करता थर्ड सेमेस्टर में जाने के बाद, उसको ज़रूरी है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर पास आउट रिजल्ट अप्लाई करना साथ में लगाना, लगाने के बाद उसको स्कॉलरशिप मिलता। अब ये लोग रिजल्ट ही नहीं देंगे तो स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेंगी बच्चों को? कन्वोकेशनल, कई सारे बच्चे एक साल पहले कन्वोकेशनल डाले आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री, अभी तक वो लोग को कन्वोकेशनल के सर्टिफिकेट नहीं मिली वो लोगों को, ठीक है। और आज एजुकेशन एक कमर्शियल हब हो गया सो है, ऐसा है कि अगर आप पैसे देंगे तो आप पास होंगे, पैसे देंगे तो आपका काम होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में करप्शन चल रहा, मगर हालात अगर आप वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो यही हालात आपको वहाँ पर भी मिलेंगे। तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर, कर्नाटका एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर सुधाकर साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि गुलबर्गा यूनिवर्सिटी क्या है, एक मंदिर है जहाँ पर ये स्टूडेंट है, जहाँ पर तालीम लेना है इनको। दे आर द फ्यूचर ऑफ गुलबर्गा, ये लोग फ्यूचर आने वाले वक्त के लिए, मगर एक एक साल का रिजल्ट अगर नहीं आ रहा बोले तो कौन है इसके जिम्मेदार? इसको कोई पूछने वाला नहीं है, स्टूडेंट के लिए कोई ठहरा नहीं यहाँ पर। वेयर आर दोज पॉलिटिकल लीडर्स जो स्टूडेंट को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उनका काम सिर्फ रैली और प्रोटेस्ट में इस्तेमाल करना, जब इनके मुस्तकबिल और इनके करियर की बात आती है तो कहाँ पर है? क्यों इतने सालों से गुलबर्गा यूनिवर्सिटी इररेस्पॉन्सिबल वर्क कर रहे हैं, क्यों इतने सालों से? ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं गुलबर्गा के स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग घबराइए मत, इफ़ यू हैव एनी इशू। अब देखिए विलेजेस से गुलबर्गा यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स आते हैं, गाँव से आते हैं, दे हैव टू वेट फॉर आवर्स, घंटे वो लोगों को ठहरना है, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ टाइम पे नहीं आता, देर इज़ नो पंचुअलिटी, ठीक है। एकेडमिक ईयर हर यूनिवर्सिटी साल में एक सेमेस्टर में 6 महीने का वक्त देते हैं आपको पढ़ने के लिए, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन देते हैं 3 महीने 4 महीने का कि आपको 3 महीने 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना, कैसे पॉसिबल है बताइए? ये दिस इज डायरेक्टली प्रेशर टू कॉलेज इंस्टीट्यूट को प्रेशर होता, लेक्चरर को प्रेशर एंड स्टूडेंट को प्रेशर होता। कर्नाटक इसीलिए कर्नाटक आज 5th रैंक पे है स्टूडेंट सुसाइड केसेस के अंदर। धारवाड़ में तो एक बच्चा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट सुसाइड करा, वो सुसाइड नोट में ये लिखा कि भाई कर्नाटक एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे माँ बाप लेबर का काम कर मुझे इंजीनियरिंग एडमिशन करा और यहाँ पर कोई एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। वो वीडियो ऑन वीडियो स्टेटमेंट देकर वो अपने का आपको सुसाइड करा। क्या आप ये चाहते हैं कि गुलबर्गा में यही हालत हो? क्या गुलबर्गा में, पहले तो गुलबर्गा में रोजगारी की इशू, इतने सीमेंट इंडस्ट्रीज होने के बाद भी आज गुलबर्गा के नौजवानों को बाहर चले जाना पड़ता जॉब करने के लिए, ठीक है। उस पर भी अगर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के तरफ से ऐसा इरेस्पॉन्सिबल वर्क अगर रहेगा स्टूडेंट को करियर को लेकर, देन स्टूडेंट कहाँ पे जाना ये बताइए मुझे। तो मैं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी चांसलर एज वेल एज एजुकेशन मिनिस्टर एंड अवर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मिस्टर प्रियंक करके, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वी हैव टू सपोर्ट स्टूडेंट करियर, ये ज़रूरी है हमारे को इनको सपोर्ट करना। तो
हम लोग यहाँ पर अब नोटिफिकेशन दिए हैं एंड वी आर गिविंग दिस मेमोरेंडम टू डिप्टी कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर, इनको देने वाले हैं हम, और यही उम्मीद पे कि भाई इसके ऊपर रिजॉल्व होगा। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट जल्दी इशू होंगे, कन्वोकेशनल जल्दी होगा, जो करप्टेड स्टाफ है वहाँ पर, क्लर्क है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर एक्शन लिया जाएगा और वैसे लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, और यहाँ से गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिक सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। अगर ये नहीं होगा, जैसा अखिल बताए, गुलबर्गा स्टूडेंट विल शो द पावर, जैसा दूसरे सिटीज और स्टेट में जो पावर बताते हैं स्टूडेंट का, विल शो द सेम थिंग। आज गुलबर्गा के नौजवान जाग गए हुए हैं एंड दे ये लोग किसी पॉलिटिकल ये एक्टिविटी में नहीं, स्टूडेंट इश्यू को एड्रेस करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अखिल लमाज फ्रॉम जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पत्रिका भवन में ये एड्रेस करने आए हैं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कई सारे इश्यूज। इससे पहले मैंने AIDSO एंड मनी कमिटी ऑर्गेनाइजेशन इसके खिलाफ आवाज़ उठाए हैं, मगर कुछ भी उनमें चेंजेस और इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हुआ है। आज हम प्रिंट मीडिया के जरिए भी उनके अगेंस्ट कुछ तो भी इम्प्रूवमेंट चेंजेस करने के लिए आज प्रेस मीट करे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर रिजल्ट इशू फिफ्थ सेम वालों को थर्ड सेम का रिजल्ट नहीं मिला है, और थर्ड सेम स्टूडेंट्स जो भी है थर्ड ईयर में थर्ड सेम के, उनको फर्स्ट सेम का रिजल्ट नहीं मिला है, और जो भी डिग्री ख़त्म करके गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से जाता है उनको एक साल तक रिजल्ट इशू नहीं करा जा रहा है, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के वास्ते जाने के लिए मुश्किल हो रहा है, रिजल्ट वहाँ पूछते हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक साल बच्चे अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के वजह से, और एकेडमिक ईयर एक सेम को 5 से 6 महीने देने के बावजूद ये 2-3 महीना दे रहा है इनकम्प्लीशन ऑफ सिलेबस, जहाँ की बच्चे प्रेशर हो रहे हैं, कॉलेजेस को प्रेशर आ रहा है, और इंटरव्यू के लिए जब उन्होंने जाते हैं तो उनको इंटरव्यू में फेल क्यों हो रहे हैं बोले तो इनकम्प्लीशन ऑफ सिलेबस ड्यू टू एकेडमिक ईयर, जो इशू कर रहे हैं शेड्यूल वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, और वाइस चांसलर को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे पहले भी आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए इससे पहले भी कई ऑर्गेनाइजेशन भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, मगर कोई भी आपके स्टाफ मेंबर्स कोई भी चेंजेस और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश में नहीं है। इसीलिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं प्रिंट मीडिया एंड सोशल मीडिया के थ्रू, हम अभी भी टाइम देते हैं आपको एक 10 डेज और 20 डेज का, अगर आप फॉलोअप में रहते हैं हम आपके साथ, अगर आप कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे वी विल शो अवर स्टूडेंट पावर एंड वी विल कम ऑन द रोड एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। बच्चे माँ बाप को छोड़कर गल्फ कंट्रीज में अरब कंट्रीज में जा रहे हैं जॉब के करने के लिए, हमारे को यहाँ पर इंटरव्यू फेल करके मजबूरन उधर जाना पड़ रहा है अपने देश को छोड़कर, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे गुलबर्गा यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, और इनकम्प्लीशन ऑफ सिलेबस यहाँ पर जो हो रहा है, बच्चों को करेक्ट एग्जाम लिखने को नहीं हो रहा है, बच्चे स्ट्रेस में आ रहे हैं, और कर्नाटका में पूरे इंडिया में टॉप 5th स्टूडेंट्स जो है हाईएस्ट सुसाइड कर ले रहे हैं बच्चे, कर्नाटका टॉप 5th है, इसलिए हम मीडिया के थ्रू ये स्टेटमेंट जारी करने के लिए यहाँ पर प्रेस मीट कर रहे हैं, और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट विंग यहाँ पर जाग चुका है, और हम जितने भी अतराफ गुलबर्गा में स्टूडेंट्स हैं हम आपके साथ हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके कौन से भी इश्यू रहेंगे हम आपके साथ रहेंगे। This video presented by Al-Sharay College Gulbarga. Admission are open for long-term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20+ free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Al-Sharay Group of Institute.